Hi. Hi. What's your name? Ritu. कैसा लग रहा है आज आपको? आप फाइनली पीआई में आए हैं. The dream is coming almost. आप जो आपने सोचा था कभी वो मंजिल एकदम पास. Seriously, I mean 4 years के struggle के बाद पहला पीआई. I'm excited और nervous भी. चलिए, I wish you all the best. Thank you very much. Hope that you do get selected. Thank you. Hi. Hi. Rituja. Yeah. Hi Ritu. Hi. कितने tattoos हैं आपके ऊपर? ये छोटे वाले को मिला के 4. दिखाओ टैटू. यहाँ पे क्यूपिड और वहाँ पे डेविल है. डेविल. एक टैटू और है कहीं. हाँ यहाँ पे है वो. क्या है वो? वो ऐसी बस हार्ट है और उसमें से रोज निकला हुआ है एरो की तरह. ऐसे नहीं है, हर टैटू का कुछ मीनिंग होता है. गला खराब है इसका, स्ट्रेस्ड है, थकान की वजह से, तो ये आराम से बोलेगा. ठीक है, आप ध्यान देना. डीप वॉइस में सेरेनेड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. अपने बारे में बताइए प्लीज. मेरे बारे में वैसे तो कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं है, पर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑब्वियसली रोडीज में आई हूँ मैं. आपके फिंगरनेल्स काफी इंटरेस्टिंग है, ऐसा करिए. रेनबो कलर. मुझे लगा था नहीं, ऑब्वियसली आप चाहती थी कि हम देखें. क्या हुआ? आप आते आते एक आपकी एक रेनबो से एक्सीडेंट हो गई, टकरा गई एक रेनबो पे. आप जेम्स डिजाइन है. आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए प्लीज. बेसिकली बालाघाट से हूँ मैं, शायद कोई उसका नाम जानता नहीं होगा, MP, पर मैंने ग्रेजुएशन बैंगलोर से किया है और फिर वहीं से BPO का जॉब. अच्छा, आपको सपने आते हैं अजीब से? हाँ, कभी कभी. कुछ बताएंगे इस अजीब सपनों के बारे में? अभी रिसेंटली मैंने एक सपना देखा था. पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे. मैं और रघु, हम लोग लास वेगास में रोमांटिक से डचा कर रहे थे. I mean, मैं रोडी बन गई तो आई डोंट माइंड. एक डिनर में क्या जाएगा? मैं डिनर नहीं खाता. लास वेगास. वो जो क्रश वाला क्वेश्चन था ना, वो एक्चुअली इनकरेक्ट था. उसमें ये पूछना चाहिए था कि तुम्हारा रीसेंट क्रश कौन है. कौन है आपका रीसेंट क्रश? आप तीनों. आप काफी ह्यूज लग रहे हैं सामने से, पर स्क्रीन पे तो पतले से लगता है. Did you just call him fat? नहीं, मतलब फिट है. ह्यूज मतलब ह्यूज मतलब बॉडी अच्छी है. आप क्या सोच रहे हैं, आप हमसे फ्लर्ट करेंगे और रोडीज में आप एक सीट पालेंगी? मैं फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऐसे. यहाँ एक सवाल है, आपने क्या इंटरनेट में फ्लर्ट किया है? आपने क्या लिखा है? Kids do that. I believe in reality. Can you explain that? मतलब मैं strongly फील करती हूँ कि मैं फ्लर्ट कर सकती हूँ सामने से. मुझे इंटरनेट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है. You're a flirtatious girl. ऐसा लग रहा है. You're saying it. आप पूछ रहे हैं भाई. कभी कभी शायद. अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताइए. बॉयफ्रेंड अभी तो नहीं है, फिलहाल ब्रेकअप हो चुका है. नहीं है, एक बॉयफ्रेंड है. हम लोग 1.5 साल से रिलेशनशिप में है, अच्छा खासा चल रहा है. रोडीज पे क्यों आना चाहती हैं? पहला एक रीज़न, जब मैं छोटी थी, काफ़ी छोटी, स्कूल में, तब मैं सबसे टॉल हुआ करती थी. तो तब मैं मॉडल बनना चाहती थी. फिर उसके बाद जब तक मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंची, तब तक कि मैं सबसे छोटी लड़की थी. मैं रहूँ में सबसे आगे खड़ी होती थी. तो मैंने सोचा मैं एक्टर बन जाऊँगी. फिर रोडीज़ बचपन में देखा था आपको, रोडीज़ 1 में, तो तब सोची थी कि अगर कहीं बड़ी सिटी में चलेगी तो रोडीज़ ऑडिशन के लिए ज़रूर जाऊँगी. बचपन में मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी. नहीं, वो एक रीज़न है. और दूसरा रीज़न ये कि मेरे डैड जो थे, हम लोग काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे. पहले हमारा काफ़ी नाम हुआ करता था सिटी में, लेकिन बिज़नेस में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से सब कुछ चला गया. तो फिर लोग हंसने लगे, हमारा मजाक उड़ाने लगे. तो मैं सोच रही हूँ कि रोडीज़ के थ्रू उन लोग को भी प्रूफ कर पाऊँगी कि मुझ में कुछ है. I really need to understand your form. आपने सबसे एडवेंचरस चीज़ क्या की है? Do you want me to lie? I had an adventurous night with Raghu. Just joking. उसके बाद आपने लिखा will be in 2011, 2012. ये आप रोडीज़ की बात कर रही हैं? हाँ. Okay. बट आपने ये मजाक किया है. नहीं, आप कह रहे हैं आपको हेल्दी वे में. नहीं, मैंने पहली बार ना आपको बैंगलोर ऑडिशन में देखा था, जिस सीजन में नौमान और पलक सेलेक्ट हुए थे. तो उस सीज़न में हम लोग स्टेयरकेस पे वेट कर रहे थे खड़े होके, और शायद किसी रूम में झगड़ा हो गया था और आप उस रूम में एंटर करने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे. तब मेरी तो धक्की हो गई थी देख के, पहली बार, I mean फेस टू फेस. इज इट बेटर नाउ? हां. द पॉइंट मैं ये क्वेश्चन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जवाब दिया नहीं इसका. मैं अब आपसे दोबारा पूछता हूँ, व्हाट इज द मोस्ट एडवेंचरस थिंग यू हैव डन? ये मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी. मैंने फॉर्म में भी लिखा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो लाइफ को एडवेंचरस बनाने के लिए ऑब्वियसली कितने सारे प्लेटफॉर्म होते हैं लाइफ में। स्प्लिट्स वाला मैं ट्राई नहीं कर सकती क्योंकि मैं उतनी गुड लुकिंग या टॉल या मॉडल टाइप्स तो हूँ नहीं। तो आप रोडीज़ में एडवेंचरस अपनी जो डिज़ायर है एडवेंचरस लाइफ जीने का, वो फुलफिल करने के लिए आप रोडीज़ में आना चाहती हैं। हाँ, ये आप हमें बताना चाहती हैं और आप चाहते हैं कि हम इसे मान लें। नहीं, आई मीन और इट्स लाइक यू नो बेटर वे, क्योंकि रोडीज़ में सब कुछ हो भी जाएगा। आई मीन फ्री का भी है और फेम भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली, फेम जो आपने बोला है सच बोला है। वेडन हेलो रितु, हाय, हाउ यू डूइंग? ओके, डोंट लाई टू अस यार। आई मीन हर तरफ से फेक है। उन्हें तो लगता है मैं फेक हूँ, ये तो मुझे पता है फॉर श्योर, पर आगे पता नहीं। हाउ स्टूपिड डू यू थिंक वी आर यार। रितु, यू विल गो टू लास वेगास, वेयर रेड इन योर ड्रीम्स, लाल कपड़े पहनना।